हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बदमाश एक ही रात में दो घरों में डकैती की घटना को अंजाम देने में भी कोई गुरेज नहीं समझते। घटना बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के शिवाला कॉलोनी की है, जहां हथियार के बल पर परिवारों को बंधक बनाकर आधा दर्जन बदमाशों ने दो अलग अलग डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दोनों ही घटनाओं को छत के रास्ते से घर में उतरकर अंजाम दिया है और हैरानी की बात तो यह है कि घटना को अंजाम देने वाले नकाबपोश बदमाश सिर्फ अंडरवियर और बनियान में थे। सर, चार बदमाश आए मेरे बेड पर चढ़ने के बाद में, उसमें जो घरवाली की आवाज़ निकली उसमें जो फिर मुझे कट्टा दिखाया, कट्टे से फिर उसके बाद में मेरे हाथ बांध दिए, हाथ बांधने के बाद में रजाई से मुंह ढकवा दिए, उसमें पहले सेफ टटोली, उसमें कम से कम मेरे 80-85 हज़ार रुपये थे, पेंट भी ले गए जिसमें पैसे रखे हुए थे और चीज़ वस्त्र भी ले गए। फिर उसके बाद में मेरा कमरा बंद कर दिया उन्होंने बाहर से। फिर उसके बाद में हमारे छोटे वाले का जो नवेड़ा रहते हैं उसका कमरा टटोला उन्होंने जो। फिर उसके बाद में जैसे ही छोटे वाले भाई को दिनेश को पता लगी तो वो बाहर को आया, उसे मेरे कमरे में बंद कर गए। फिर उसके बाद में पापा टॉयलेट करने गए, उन्हें फिर मेरे कमरे में बंद कर गए। पीड़ित परिवारों की माने तो देर रात उनके घर में आधा दर्जन हथियार बंद बदमाश छत के रास्ते से घुसाए और हथियार के बल पर परिवारों को घर के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने पीड़ितों के घरों को खंगाल डाला। बदमाशों ने एक ही कॉलोनी में स्थित दो घरों में एक के बाद एक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। बदमाश परिवार को बंधक बनाकर घंटों तक लूटपाट करते रहे और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। बदमाशों ने दोनों घरों में नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के आभूषण लूटने की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना स्थलों का मुआयना किया है। देखिए, जो आपसे जानकारी मिली लगभग 2:45 बजे के आसपास डायल 100 से जानकारी मिली थी कि थाना खानपुर के शिवाला बाग मोहल्ले में एक घर में ऊपर से बदमाश घुसे चोरी के इरादे से, कच्चा बनियान में थे और घुसने के बाद जब लोग जग गए तो उन्हें आतंकित करके उन्होंने जो घर में सामान आते थे उसको ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद ही एक दूसरी घटना वहीं से लगभग 700 मीटर की दूरी पे एक व्यक्ति दीपक के घर में हुई। सूचना पे पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की। क्या बदमाशों की संख्या के बारे में कुछ ज्ञात हुआ है? बदमाशों की संख्या 4 से 6 के बीच में बताई जा रही है और एक अच्छा बनियान में थे और नंगे पाँव थे, ये बताया। फिलहाल पुलिस अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरी घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज जस्ट